सो हेलो एवरीवन, दिस इज सागर। तो गाइज आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और कोरियन ड्रामे का रिव्यू लेकर के। तो गाइज इस कोरियन ड्रामे का नाम है अन्ना। अब ये हमारे साउथ वाले अन्ना नहीं है, ये एक कोरियन ड्रामे का नेम है। अब गाइज इस कोरियन ड्रामा इतना क्यों वायरल है और ये क्यों ज्यादा सुर्खियों में, मतलब ड्रामा कम्युनिटी में क्यों इससे रिलेटेड लोग ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो गाइज उसका रीजन है और इसको देखने का मेरा रीजन है बी सूजी के बहुत सारे कोरियन ड्रामास हमने देख रखे हैं और इनकी एक्टिंग के बारे में हमें पता ही है, जो कि अपने करियर के स्टार्टिंग में तो इतनी अच्छी एक्टर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत कमाल के एक्टर बन चुके हैं। जिनका रिसेंट स्टार्टअप जो आया था वो साउथ कोरिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में काफी हिट गया था, बहुत पैसा छापा है नेटफ्लिक्स ने उनसे भी। तो गाइस उन्हीं का एक कोरियन ड्रामा है, मैं आपको फटाफट स्टोरी लाइन बता देता हूँ, जिसके कितने एपिसोड है, कितने नहीं है, क्या है, सब आपको शो हो रहा होगा। मैं आपको पूरा आपको सारी चीजें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। सो हाँ, स्टोरी लाइन की बात करें तो बी सूजी एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। जिस तरीके से उनमें स्ट्रगल को दिखाया गया, गाइस आपको अपने पर्सनली बताऊं, मुझे बहुत बुरा लगा था। एटलीस्ट यार मुझे इतना रोना आ रहा था उनको देख करके कि वो कितनी अच्छी होती हैं और उसके बावजूद भी उन्हें मेड का होम मेड का काम करना पड़ता है। उसके बाद गाइज वो अपनी पढ़ाई में भी उतनी कुछ खास नहीं होती है, लेकिन फिर भी उन्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि क्या ही बताऊं। तो उनके फादर के साथ इंसिडेंट होता है, लेकिन गाइज कहानी में ट्विस्ट वहां आता है जब हमारी बी सूजी सारे अच्छे अच्छे काम छोड़ करके एक खुराफाती आइडिया लगाती है। वो एक अमीर पर्सनैलिटी की आइडेंटिटी चुरा करके भाग जाती है। तो गाइज क्या होगा आइडेंटिटी चुराने से, हमें ये जानने के लिए मिलेगा क्या अमीर बनना इतना ही ईजी है जितना ईजी इन्होंने दिखाया, या अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा एक गरीब आदमी को, और क्या आईडी चुराने से क्या कोई किसी की जगह ले भी सकता है, आईडी चुराने से क्या कोई अमीर बन भी सकता है, ये सारी बातें देखने के लिए मिलेंगी हमें। देखो अब बात करते हैं, ये है कुछ स्टोरी लाइन जो कि आपको बेसिक से ऊपर पता होनी चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव से रिलेटेड। तो गाइज नेगेटिव पॉइंट की बात बताऊं तो स्टार्टिंग कुछ खास नहीं है, जी हाँ गाइज, लेकिन जिस तरीके से आगे जाके आपको लाइफ की रियलिटी दिखती है तो वो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा बुरा लगता है अंदर से, लेकिन फिर धीरे धीरे जिस तरीके से स्टोरी को बिल्डअप करते हैं वो काफी अच्छा लगा और काफी सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन करा दिया गया है कि वो कैरेक्टर कौन होता है जिसकी वो आइडेंटिटी चुराती है और उनके फादर के साथ क्या इंसिडेंट हुआ है और भी बहुत सारी चीजें हमें पता पड़ गई। लेकिन एंड में क्या होगा, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा है, इसमें हमें साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी बातें जानने के लिए मिलेंगी, यही सब हमें देखना पड़ेगा। कुछ इसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, आपको बीच बीच में वो ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिलेंगे जिसको देख करके आपको लगेगा कि हाँ भाई इस पर टाइम देना खराब नहीं गया। पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो जिस तरीके से इसमें कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कराया हुआ है वो काफी अच्छा है, हर कैरेक्टर से आप कनेक्ट हो सकते हो और कुछ इतने हरामी कैरेक्टर्स हैं उनको देख के गुस्सा भी आता है, तो मतलब डायरेक्टर ने काफी अच्छा स्टार्टिंग की है। मतलब जो स्टार्टिंग का जो सीन होता है गाड़ी कुछ भी होती है, मतलब मैं आपको स्पॉइल नहीं दूंगा, सिर्फ ये बोलूंगा कि आप जाकर के देखो डायरेक्ट, आपको ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट एटलीस्ट आप 2-3 एपिसोड देख लेना उसके बाद आप इसको जज करने के मूड में आना। तो गाइस ये था मेरा रिव्यू इस कोरियन ड्रामा से रिलेटेड, मे बी आपको ये कोरियन ड्रामा अच्छा लगा होगा, मुझे तो कोरियन ड्रामा जैसा था मैंने आपको बता दिया और मैं बाकी के एपिसोड के लिए एक्साइटेड हूँ। आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ऐसी वीडियोज के चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी ऑनलाइन इंटरेस्टिंग टॉपिक पर।